एनपीए को लेकर आरबीआई ने जारी किया फ्रेमवर्क। नए फ्रेमवर्क की 3 साल बाद होगी समीक्षा। रिस्क मैनेजमेंट की 3 कैटेगरी भी तय की। अनुमान से खराब रहे इंफोसिस के नतीजे। मुनाफा आय में गिरावट। कंपनी ने गाइडेंस में की भारी कटौती। इंट्राडे में 3.5% से ज्यादा टूटा शेयर। रवि वेंकटेशन बने इंफोसिस के को चेयरमैन। इंफोसिस में पहली बार किसी को चेयरमैन की नियुक्ति। मैनेजमेंट में तनाव के बाद को चेयरमैन की नियुक्ति का फैसला। इस हफ्ते कमजोर रहा बाजार। सेंसेक्स 182 अंक, निफ्टी 53 अंक गिरकर बंद। बैंक्स एफएमसीजी इस हफ्ते हल्की बढ़त के साथ बंद। कोल घोटाले की धीमी जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज। सीबीआई से जांच पूरी कर जुलाई तक रिपोर्ट देने का आदेश। घोटाला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया था रद्द। जी बिजनेस ने किया था कोल घोटाले का खुलासा। ट्री हाउस के एमडी राजेश भाटिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। ईओडब्ल्यू कराएगा कंपनी और एमडी के 210 बैंक खातों की जांच। ईओडब्ल्यू को शक, 400 से 500 करोड़ की गड़बड़ी हुई। आईपीओ निगरानी पर कस सकता है सेबी का शिकंजा। 26 अप्रैल की बोर्ड बैठक। 500 करोड़ रुपए तक के आईपीओ पर मॉनिटरी एजेंसी की नियुक्ति पर विचार संभव। ब्लैक मनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी। दिल्ली में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर छापे। फर्जी कंपनियों के जरिए कालाधन सफेद करने का आरोप। दो 2000 स्कूलों को सीबीएसई ने भेजा नोटिस। जानकारियां साझा नहीं करने पर लगाई फटकार। स्कूलों को फीस, सुविधाओं, बैलेंस शीट समेत वेबसाइट पर देनी होती है कई जानकारियां। और बिल्डरों पर अथॉरिटी ने कसी नकेल। जेपी एसोसिएट्स को किश्त जमा नहीं करने पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का नोटिस। आम्रपाली को जोडियक प्रोजेक्ट्स के अवैध निर्माण हटाने के लिए हफ्ते भर का वक्त।